सबसे पहले तो मैं ये बता दूं कि ये एक आपदा जो आती थी वो प्रकृति द्वारा लाई जाती है, ये सरकार द्वारा नहीं बल्कि मोदी जी लाई गई द्वारा आपदा थी, इसे बोलेंगे मोदी आपदा, जो की गई थी 8 नवंबर 2016, अब 17 चल रहा है जी। भौगोलिक स्थिति, जलवायु, माहौल, आधार सिस्टम्स, आपके पास नेटवर्क, आपके पास साधन, आपके देश की हालात किस तरह के, पॉपुलेशन, आप उन सारी चीज़ों को अध्ययन करते, सारी चीज़ें देखते। जब मैं सुनता हूँ मित्रों, भाइयों, बहनों, 130 करोड़ देशवासियों, मुझे अब डर लगने लगता है मित्रों का नाम सुन के ही, कोई और नया डिसीजन इस 8 नवंबर को ना आ जाए। कल से सशंकित हूँ इस चीज को लेकर। नहीं, लेकिन बीजेपी तो ये कहती है अजय जी कि भ्रष्टाचारियों को डरने की जरूरत है, फिर कांग्रेस क्यों डर रही है? भ्रष्टाचारियों पे लगाम लगाएं, उन्हें बंद करें और जेल में बंद करें। हम बिल्कुल इसके साथ थे, हैं और रहेंगे। काले धन पे आपने, मैं उस चौराहे को ढूंढ रहा हूं जो 8 नवंबर को कहा था, सिर्फ भाइयों 50 दिन मुझे दे दो, 50 दिन। कौन से काला धन आ गया, 16,000 करोड़ रुपए से ज्यादा पैसा जो है चला गया छपाई में, नोटों के उसमें, अभी नोट गिने भी नहीं गए हैं, आंकड़े वही के वही है। वो चौराया नहीं मिल रहा मुझे हिंदुस्तान की इस 130 करोड़ की, मैं जिसपे मैं मोदी जी से पूछूं कहां है वो चौराया, वो नहीं मिल रहा जी। दूसरी बात यह है, इस हिंदुस्तान में 98% लोग से ज्यादा, 0.050 लोग बड़ा बिजनेस करते हैं, जो सारी चीजों पर असर नहीं पड़ता। इस नोटबंदी के बाद छोटे लोगों पर, छोटे व्यापारियों पर पहले दिन जो मार पड़ी, फिर दूसरी मार जीएसटी की पड़ी, जीडीपी की दर 5.70। अर्थशास्त्रियों का अनुमान है कि अभी जीडीपी 2 पॉइंट और नीचे जा सकती है। अब आप इसे जश्न डे मना लें, खुशी डे मना लें, देश के हालात बदतर से बदतर होते जा रहे हैं, व्यापार खत्म हो रहा है। वो व्यापारी जो इस अर्थव्यवस्था में योगदान देता है, वो व्यापार किसी का करे, व्यापारी ना कांग्रेस का होता है, ना बीजेपी का होता है, ना अदर्स किसी पार्टी का होता है, व्यापारी हिंदुस्तान का होता है, देश का होता है, राष्ट्र का होता है, भारत का होता है, वो व्यापार करता है। उसमें आप भी व्यापार कर सकते हैं, मैं भी व्यापार करता हूँ, रोटी खाने के लिए चीजें तो चाहिए, मैं भी व्यापार करूंगा और बीजेपी के लोग भी व्यापार करते हैं, खास करके व्यापारी। तो बीजेपी का, एक मिनट खत्म कर रहा हूँ, व्यापारी माना जाता था, लेकिन आज वो सबसे ज्यादा दुखी और पीड़ित, कपड़े का व्यापार खत्म हो चुका है, नहीं तो कांग्रेस का व्यापार तक ही सीमित रह गई है। सुनार एक हिंदुस्तान में 3.2 अजय जी बिल्कुल खत्म हो चुके हैं, खत्म इन द सेंस, उन आप आधे परसेंट अडानी अंबानी टाइप लोगों को भूल जाइए, उन पे ना असर था, अजय जी है, क्या कांग्रेस व्यापार तक ही सीमित रख रही है? नहीं नहीं नहीं, हमने ये कहा है कि पूरे हिंदुस्तान में जी आप अपनी सारी चीजें सुधारते, साधनों को मुहैया कराते, चीजें उपलब्ध कराते। वो काला धन देश से 15 लाख रुपए कहे गए थे कि गरीब वासियों आपके अकाउंट में, एक छोटा गरीब, इस हिंदुस्तान के लोगों की मेमोरी बहुत कमजोर है, ठीक है, बुला दिया, वो खुश हो गए 15 लाख आएंगे, मेरे अकाउंट में तो आज तक नहीं आए, आपके में आए क्या अनुराग जी? शायद आपके में भी नहीं आए। वो अब कह दिया गया, वो चुनावी जुमला था, अब आज के बाद ये भी कह दिया जाएगा कि ये नोटबंदी ठीक है, तमाम आरोप को देश की हालात और जवाब ले लीजिए अजय जी, जवाब ले लीजिए, ठीक है, मेरे पेट में दर्द है, सुन लीजिए, और आप इंजेक्शन मेरे सिर दर्द का लगा रहे हैं, फिर दूसरा इंजेक्शन मेरे हार्ट का लगा रहे हैं, तो मैं कोमा में जाऊंगा, मरूंगा या पेट दर्द से ही होंगे, मुझे आई नीड द स्टोमक पेन इंजेक्शन, सो प्लीज गिव मी द स्टोमक पेन इंजेक्शन, मेरा यह अनुरोध है। अब आप चूंकि बीजेपी से हैं, तो आपको इन तमाम चीजों को लेकर जवाब देना होगा, ठीक है, ठीक है।